हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई, और क्या हालचाल है आपका? बढ़िया है, और बताइए क्या हो जा रहा है? सब आनंद में है भाई? तो कल अर्जेंटीना और फ्रांस का फाइनल था, तो अर्जेंटीना जीत गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम और हमारे लड्डू भाई कल गए थे सूक वग्गप, तो चलिए चलते हैं सूक वग्गप और आपको दिखाते हैं। भाई आप सब देख सकते हो, ये हमारे लड्डू भाई आए हैं दिखाने के लिए। सूक वग्गप है, बहुत ही पुराना घर है, इधर देख सकते हैं हमारे लड्डू भाई। कैसे हैं लड्डू भाई? ठीक है, बहुत अच्छा है। कहाँ थे इतने दिन? इतने दिन थोड़ा बीमार थे और थोड़ा कुछ। तो देखिए भाई साहब, ये दिखाने लाए हैं हमको, सूक वग्गप है ये। और देखिए ये पुराना पुराना घर बना हुआ है इधर, बिल्डिंग छोटा छोटा। ये आप देख सकते हो भाई, अच्छा एक चीज है, इतना 4 साल हो गया पहला बार इधर घुसा है हम। अब भाई लोग को दिखाना था इसीलिए दिखा दे रहा है। बताइए, मट्टी का घर अपने? ये पूरा मट्टी का घर है, आप देख सकते हैं, मट्टी का ब्रेंच है, पूरा मट्टी का है, डिजाइन है, पूरा मट्टी का है। इधर शायद अब कुछ नहीं है। ये देखिए हम लोग कौन से जगह पे घुस गए हैं। हाँ, ये शायद मस्जिद है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सामने अर्जेंटीना और फ्रांस का मैच हो रहा है, सब मैच हो रहा है, सब देख रहे हैं भाई, बहुत हल्ला कर रहे हैं। तो भैया आप देखो गलियारा, और ये जाने का रास्ता भी पूरा मट्टी का बनाया है, घर भी पूरा मट्टी का है। इसमें पूरा दुकान खुला हुआ है, हर एक दरवाजे पे दुकान है। इधर 4 साल में मैं पहला बार आया, लड्डू भाई आया है इसलिए मैं अंदर आया, नहीं तो नहीं आता, बाहर ही रहता। देखो सब पूरा दुकान है। अच्छा, क्लीनर सब रहता है किधर? यही सब। हाँ तो काम तो करना पड़ेगा ना भाई, बिना क्लीनिंग का। ये देखिए इधर नाव लगाया है पूरा, और ये रमल है, लड्डू भाई हमारे इधर खड़े हैं। ये सामने समुंदर है भाई। ये देखिए भैया, हमको एक बहुत अच्छी चीज मिल गई है, ट्रेन, बच्चों का ट्रेन है। और इधर बच्चे लोग का खेलने के लिए बनाया है, देख सकते हैं बच्चा लोग खेल रहे हैं, देखिए। और ये ट्रेन है, हमारे लड्डू भाई इसी में अभी बैठ के जाएंगे। पता नहीं इसका किराया कितना है, 50-60 रियाल तो होगा ही। चेक करिए लड्डू भाई थोड़ा, कितना इसका किराया है? बहुत अच्छा बनाया है यार, छोटा छोटा ट्रेन है, देख सकते हैं। वो आगे का वो है, फ्रंट वो है, ये ट्रेन है। और इसका इंजन आगे बैठा है, इसमें देख सकते हो बैठी हो। अरे उधर ये बैठी हैं यार, आगे जाएंगे तो मुसीबत हो जाएगा, बैठे हुए हैं सब। ये देखिए राउंड में बनाया है पूरा, इसमें बच्चा लोग अपना गाड़ी चला रहा है। बहुत अच्छा है, ये प्लास्टिक का है ये। गाइज ये देखो ऊँट बैठा हुआ है, 3-4 ऊँट है, इसका भाड़ा लेता है सब बैठने के लिए। बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं कितना अच्छा है। 3 ऊँट है इसका, शायद 50 रियाल या 100 रियाल है इसका भाड़ा। इस पर बिठा के ले जाएगा आपको कहीं पे जाना है तो। लड्डू भाई थोड़ा और आगे हो जाइए ना, उसका सर और खुजा दीजिए अच्छे से, अच्छा है, खुजा दीजिए भाई।
भाई आए हैं ऊँट देखने के लिए। दिखा दीजिए, लड्डू भाई भी हैं साथ में। और अभी जाएंगे मकान में खाना खिलाएंगे। 500 रुपया का ऑर्डर दिए हैं पूरा। भाई इधर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग जैसे गांव में पहुंच गए हैं। एकदम पूरा जो है गांव जैसा है, अंदर पूरा मिट्टी का दीवाल बना है, पूरा मिट्टी का दीवाल बना है। और हम लोग कभी से टॉयलेट ढूंढ रहे हैं, साला टॉयलेट नहीं मिल रहा है। हमारा ध्यान तो आधा टॉयलेट पे है। टॉयलेट किधर है? अभी इधर किसी से पूछना पड़ेगा भाई, टॉयलेट किधर है, थोड़ा टॉयलेट बता दो। ये है भाई साहब, इससे पूछता है। ये देखिए कितना अच्छा फूल रख के सजाया हुआ है। ये पुराना घर में देख सकते हैं, विंडो भी लगाया है। और ये दरवाज़ा है बाबा आजम के ज़माने का। तो भैया उधर से हम लोग घूम घाम के देखिए आ गए हैं इधर होटल में, समोसा खाना है। तो अभी समोसा का ऑर्डर दिया है, अभी आता है फिर खाता है, उसके बाद फिर जाएगा रूम पे। आज का ड्यूटी खलास हो गया। गाय समोसा का ऑर्डर दे दिया है, समोसा आ रहा है, खा लेंगे उसके बाद फिर रूम में जाना है। बस आज का ड्यूटी खलास हो गया भाई।